हेलो शॉन, तुम बर्गर लेकर सीधे घर चले जाना, क्योंकि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। बुल्ली उसे बनवा रहा है, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन बर्गर फ्रीज में मत रखना, वरना सब ठंडे हो जाएंगे। तुम्हें अपना खाना हो तो खा लेना, मेरा और बुल्ली का छोड़ देना। शॉन बोला, हाँ ठीक है बुल्ली, मैं बर्गर लेकर घर जा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा देर मत करना, वरना एक भी बर्गर बचेगा नहीं। तुम्हें पता है ना कि शॉन कितना बड़ा चटोरा है, बर्गर मेरे सामने रहेंगे तो मैं अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा, समझ गया ना तुम। गुल्ली शॉन से बात कर ही रहा था कि तभी बुल्ली आ गया और कहने लगा, चलो गुल्ली काम हो गया है, शॉन का फोन है क्या? गुल्ली बोला, हाँ बर्गर मिल गए हैं उसे, वो घर लेकर जा रहा है। बुल्ली ने कहा, गुल्ली तुम उससे कह दो स्कूटर चलाते हुए बात मत करो, एक्सीडेंट बहुत होते हैं इससे और मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जितने जल्दी हो सके घर चले जाओ। बुल्ली ने जो कुछ भी गुल्ली से कहा गुल्ली ने शॉन से बता दिया। लेकिन शॉन बोला, गुल्ली तुम डरो मत, मैं सालों से स्कूटर चला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और तभी हेलो, ये क्या हुआ? शॉन का फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया, बैटरी चली गई होगी उसकी। चलो गुल्ली, शॉन के आने से पहले हमें घर पहुंचना होगा, वरना हमारे बर्गर खतरे में पड़ जाएंगे। और फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। गुल्ली बोला, मुझे लगता है बुल्ली कहीं शॉन ने अपना फोन तो नहीं गिरा दिया। बुल्ली ने कहा, हाँ हो सकता है गुल्ली, गाड़ी चलाते हुए बात करोगे तो ये तो होगा ही, मैंने मना तो किया था उसे। और इस तरह बातें करते हुए गुल्ली बुल्ली अपनी जीप लेकर वहां से चले गए। और इधर घंटों तक शॉन वहीं बेहोश पड़ा रहा और रात हो गई। और कुछ देर बाद जब बारिश की ठंडी बूंदे शॉन पर गिरी, तब शॉन को होश आया और उसने चारों तरफ देखना शुरू किया कि वो तेज बारिश में कहां फंस गया है। तब शॉन को याद आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो तो दिन में हुआ था और अब रात हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पड़े हुए कई घंटे हो चुके हैं। शॉन उठकर खड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसके पैर में तेज दर्द हो रहा है, उसे पैर में चोट लगी है, उसे किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। लेकिन यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, अगर शॉन को गुल्ली और बुल्ली की मदद चाहिए तो उसे अपना फोन ढूंढना होगा। और शॉन अपना फोन ढूंढने निकल पड़ा। अरे बाप रे, यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, यहाँ मुझे फोन मिलेगा कैसे? चारों तरफ तो जंगल है, पता नहीं मेरा फोन हाथ से छूटकर कहाँ चला गया। काश मैंने गुल्ली की बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। लगता है आज की रात मुझे इस जंगल में गुजारनी होगी, वो भी अकेले। गुल्ली बुल्ली भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। और अपना ये स्कूटर भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? अरे रुको रुको, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे घर तक छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, रुक जाओ। अरे यार, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, और हम हर वक्त दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। आज मुझे पता चला है कि ये दुनिया कितनी मतलबी है, अब मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा, बस बैठकर इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है कि गुल्ली बुल्ली मुझे ढूंढने जरूर आएंगे। और ये सब इस मनहूस गाड़ी की वजह से हुआ है, अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो इस वक्त मैं घर पर बर्गर खाकर गेम खेल रहा होता। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वो तो अब हो चुका, और अब मैं और ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मैं तो ऐसे डर रहा हूँ जैसे मेरे आसपास कोई डरावनी चीज मौजूद हो। अरे ये क्या है, ये तो किसी इंसान का सड़ा हुआ हाथ है, कोई गाड़ी के नीचे दबकर मर चुका है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, लगता है यहाँ पर इससे पहले भी भयानक एक्सीडेंट हो चुके हैं। अच्छा हुआ मेरी जान बच गई, अब मैं गाड़ी चलाते हुए कभी फ़ोन पर बात नहीं करूँगा। लेकिन अब बारिश की वजह से मुझे ठंड लगने लगी है और अब मैं और नहीं चल सकता, मेरा दर्द भी बढ़ता जा रहा है, मुझे आराम की ज़रूरत है। लेकिन इस बारिश की वजह से मैं कहीं सुकून से बैठ भी नहीं सकता, मुझे सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए, वो भी जल्दी, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वो सामने क्या है, इतना बड़ा घर लगता है कोई हवेली है, अगर यहाँ कोई रहता होगा तो वो ज़रूर मेरी बात गुल्ली बुल्ली से करवा देगा। यहाँ खड़े रहकर टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे नीचे जाकर देखना होगा, अगर यहाँ भी किसी ने मेरी मदद नहीं की तो शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। और जब गुल्ली बुल्ली मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे तो उन्हें सिर्फ मेरी लाश मिलेगी और कुछ नहीं। ये जगह कितनी अजीब लग रही है, लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं है, चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और कूड़ा कबाड़ फैला हुआ है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जगह सालों से वीरान पड़ी हुई है। ये आवाज़ कैसी थी? अरे ये तो बिल्ली है, इसने मुझे डरा दिया। ए काली बिल्ली, आओ मेरे पास आओ, तुम्हें पता है ना कि शॉन जानवरों से कितना प्यार करता है। अरे तुम तो डर कर भाग गई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इस वक्त मेरे पास कोई खाना नहीं है, वरना मैं तुम्हें दे देता। अरे मेरे बर्गर,
मेरे बर्गर का बैग भी खो गया। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास बर्गर भी थे, लेकिन वो जहाँ भी पड़े होंगे भीग कर खराब हो चुके होंगे। अब उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। चलो पहले जिस काम के लिए आया था उसे पूरा कर लूँ पहले। लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। आज मुझे पता चला है कि छोटी सी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मैं रोने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। अरे ये क्या हुआ, गेट खुल गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? मैं अंदर आ रहा हूँ। ये क्या है, ये तो कोई वीरान पुरानी हवेली लग रही है। इसे देखकर तो लगता ही नहीं है कि यहाँ सालों से कोई रहता भी होगा। अगर यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो फिर आखिर ये गेट किसने खोला? देखो अगर यहाँ कोई रहता है तो मेरी बात सुनो। मेरा नाम शॉन है और मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे मदद चाहिए। मुझे डराओ मत, बारिश बंद होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, अगर तुम नहीं बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी बस मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे लगा था कि यहाँ कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। कितनी डरावनी जगह है ये, बस कोई भूत न मिल जाए मुझे, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने गेट खुला छोड़ दिया है। अगर कोई भूत मिल गया मुझे तो मैं फ़ौरन यहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही डर रहा हूँ। मुझे अपने डर पर काबू रखना होगा, क्योंकि मेरे पास इस हवेली में रुकने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। जो भी हो, लेकिन मुझे बारिश से बचने की जगह तो मिल गई। क्या बात है, लगता है किसी ने पहले से ही मेरे लिए बैठने और आग जलाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। छोटा लाइटर तो मेरे पास पहले से ही है। चलो सबसे पहले मैं आग जला लेता हूँ। और ये लो जल गई मेरी आग। बस अब गरम गरम चाय का इंतज़ाम भी हो जाए तो मज़ा आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, बारिश से बचने का इंतज़ाम तो हो गया। ये कैसी आवाज़ है, कौन है वहाँ पे? तुम जो भी हो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, समझ गया तुम? शॉन ऊपर से दिखाना नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो बेहद डरा हुआ है। दोस्तों क्या होगा अब शॉन का? इस हवेली में आने के शॉन क्या कीमत चुकाएगा? बुल्ली बुल्ली शॉन को यहाँ से ले जाएंगे या फिर शॉन यहीं मर जाएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट टू में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।